कर्नाटक के शिवमोगा जिले में रात को ट्रक में भर कर ले जा रहे विस्फोटक में धमाका हो गया, जिसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और आसपास के क्षेत्र में झटके महसूस किए गए। धमाका इतना बड़ा था कि सड़क भी टूट गई और साथ ही आसपास के घरों और दफ्तरों के शीशे चकनाचूर हो गए। इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। शिवमोगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से करीब 350 किलोमीटर की दूरी पर है। बताया जा रहा है कि यह विस्फोटक खनन के लिए ले जा रहा था। पत्थर तोड़ने के लिए एक स्थान पर रात 10:30 बजे के लगभग धमाका हुआ, जिससे न केवल शिवमोगा बल्कि पास के चिकमगलुरु और दावणगेरे जिले में भी झटके महसूस किए गए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विस्फोटक इतना तेज था कि घरों की खिड़की के शीशे टूट गए और सड़कों पर भी दरार पैदा हो गई। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।